बात है ना कि देखिए अच्छे ट्रीटमेंट्स बिल्कुल मार्केट में मौजूद हैं, और अगर आप सस्ता भी ट्रीटमेंट कराने से पहले आप सोचा करें कि भाई मार्केट में ये चीज़ तो आप खुद भी लेने जाएं, तो आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ तो इतने में आई नहीं रही, तो कैसे हो सकती है। तो आप भी ज़रा, वो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार, तो जब आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छा ट्रीटमेंट जरूर लें। हमारे यहाँ पे एक चीज़ आप बता दूँ कि डैंड्रफ का बहुत कॉमन इशू है, जिसकी वजह से बाल बहुत गिरता है लड़के लड़कियों दोनों का। उसके लिए जो हमारे पास एक्चुअली उसकी मशीन बहुत बड़ी है वो हम लेके ले, उसके लिए हम स्कैल्प पीलिंग करते हैं। ओके और वो 2-3 सेशन में बिल्कुल स्कैल्प को मतलब डैंड्रफ फ्री कर देता है, चाहे कैसी डैंड्रफ हो, तो वो दोबारा आती भी नहीं। और फिर वो अच्छा, ऑफ कोर्स जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होती है, सर्कुलेशन भी बालों की ग्रोथ भी अच्छी, नेचुरली बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, बालों का वॉल्यूम भी अच्छा हो जाता है, और कॉन्फिडेंस भी आपका जो है सही हो जाता है, वापस आ जाता है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी है समन, अस्सलाम वालेकुम जी। खानेवाल से जी समन, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर बशीर से बात करनी है। जी जी बिल्कुल। 8 साल की बच्ची है मेरी जी, तो 2 साल के बाद है और रेड हुए हैं और रुखे से हैं, तो कोई अच्छा शैम्पू या कोई और बता दे। अच्छा, उसको मैंने कई दफा बिल्डर भी करवाया क्योंकि बाल उसके ऐसे ही है, तो वो अच्छे होते नहीं है, बार बार 2 साल के बाल होते हैं, तो इसके बारे में प्लीज बता दे। 2 शाखे स्प्लिटेंट बहुत है उनकी बच्ची को। अच्छा, बस बहुत ज्यादा और खराब से हैं, गंदे से लगते हैं। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, जो आपने कभी उसका टेस्ट कराया है, और क्या मतलब डार्क सर्कल्स तो नहीं है, बाल उसके ऐसे भूसे की तरह तो नहीं, कलर चेंज तो नहीं हुआ है? आपको कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल ड्रॉप कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा देखिए, बच्चों के बाल ना अगर गिर रहे हो और बच्चों के बालों का कलर अगर चेंज कर रहा हो, तो ये विटामिन डिफिशेंसी होती है। तो ऐसे बच्चों को आप, मैं आपको बता देती हूँ कि मुनक्के का इस्तेमाल कराएं, और आजकल अंगूर आए हुए ना, अंगूर ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। और जो आपको घर का बनाने का एक लगाने के लिए बता देती हूँ, जैसे मैंने जेलेटिन का पानी बनाया था ना, उसमें आपने काली मिर्च नहीं डालना है। जेलेटिन का पानी बनाकर जैसे आपने 1 कप वो लिया, उसमें आप 1 चम्मच सिरका डाल दें। ये आपके बालों के लिए नेचुरल बुटॉक्स समझ लें, या स्ट्रेट करने के लिए समझ लें, उसको अच्छी तरीके से बालों में लगाएं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन और दूसरा, मैंने आपके बच्चे के लिए, आप ऐसा करें कि तिल का तेल लेके उसमें थोड़ा सा अदरक का जूस मिलाकर लगाएं, लेकिन शरबत फौलाद किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके लिखवा लें, और वो ज़रूर इस्तेमाल करें। शरबत फौलाद में क्या है, आयरन है, हाँ, तो वो ज़रूर दें। अच्छा आपने, मैं देख लीजिए कि आपने ज़रा क्लिप्स भी लगाए हुए थे स्प्रे करके, ताकि से वो वॉल्यूम थोड़ा सा उसको कैच कर सकें। अच्छा, और इनके आपने बालों में फाइबर आपने लगाया, फाइबर लगाया मैंने, और फिर मैं चाहूँगी सर एक हमारे स्क्रीन के सामने भी लो, ताकि लोगों को भी आइडिया हो कि अगर कोई खुद भी करना चाहे तो। सिंपल फाइबर जो हमारे बालों को वॉल्यूम देगा, तो वो बैककॉम्बिंग से पहले मैंने लगाया था, और जरा सा लगा के ये स्टे करेगी से, बैककॉम्बिंग भी ये स्टे करेगी। और दूसरा जो फाइबर है ये हमारा कलर का आता है, जो डिफरेंट कलर्स में आता है, ब्लैक में आता है, ब्राउन में भी आता है, तो वो आप लेके जहाँ पे इनकी मांग जैसे ओपन हो रही थी, तो वहाँ पे मैंने हल्का सा करके और इनकी स्प्रे कर दिया है, ताकि वो फाइबर स्टे करे, फौरन झड़ जाता है वो अगर आप फौरन स्प्रे नहीं करें। क्योंकि यूजुअली होता है कि जब मांग वगैरह भी निकालते हैं, तो हमारी मांग बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी हो जाती है, तो ये फाइबर वगैरह इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, अगर हम घर में खुद भी ब्लो ड्राई वगैरह करें और उसके बाद स्प्रे करें, मिल जाते हैं ये इजीली, उससे बालों में अच्छा एक बाउंस भी आ जाता है, कि बाल बैठे हुए नहीं लगेंगे। अच्छा मेरी, आप मुझे बताइएगा, अक्सर लोगों को हमने देखा है ख़वातीन जो हैं, चाहे वो मुंह पे एक्नी हो, चाहे वो बाल एकदम गिरना शुरू हो जाएं, जैसे हमारी यहाँ पे बहन मौजूद हैं और उनके बाल जिस तरीके से गिरे हैं मैं देख रही हूँ, तो हम खुद भी डर गए कि अगर ये बाल मेरे हों तो मैं तो शायद लोगों को भी फेस ही ना कर सकूँ। बिल्कुल, एक्चुअली देखें, हम अगर साइकोलॉजी के सेंस में बात करें, तो बाल जो होते हैं वो हमारे एक क्राउनिंग ब्यूटी रखते हैं हमारे लिए, ठीक है, एक हमारा सेल्फ इमेज उससे बिल्ड होता है, एक आइडेंटिटी बिल्ड होती है। अगर वो चीज़ आपको फील होता है कि वो आपकी उस तरह प्रॉपर नहीं है या वो लॉस हो गई है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत शटर कर देती है, और आपकी पर्सनैलिटी को लाजमी होता है, एक अपीयरेंस है आपकी कि आप लोगों में रिप्रेजेंट हो रहे, वो चीज़ आपकी बहुत डल हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो ये चेहरा आपकी शनाख्त है। और आपको पता है फिर हमारे यहाँ जो सोसाइटी हमारी है, अगर हमारे बाल कम होंगे तो लोग आपको गंजा गंजा कहके भी बुलाएंगे कि फलानी जो है वो जो हाँ चाह वो ये गंजी फलानी ये वो जी, तो ये आपकी कॉन्फिडेंस को भी बहुत हद तक जो है वो डैमेज कर देती है, और सेल्फ इस्टीम आपकी बहुत लो हो जाती है। और मोस्टली जिस तरह पेशेंट्स अगर आते हैं, जिस तरह कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जब इस तरह हेयर फॉल हो रहा होता है या एलोपेशिया से जिस तरह होता है, तो ये सीवियरली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, यानी वो सोशली आइसोलेटेड होना शुरू हो जाते हैं, फैमिली गैदरिंग से अवॉइड करना शुरू करते हैं। इसके अलावा उनमें काफ़ी हद तक ये देखा गया है कि इतना सीवियर डिप्रेशन होता है कि सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ भी वो चले जाते हैं, कि उनके थॉट्स आ रहे होते हैं कि हमें लोगों से अवॉइडेंस लाजमी बात है, क्योंकि जब एक सोशल एक्टिविटीज़ आपकी नहीं प्रॉपरली हो रही होती हैं, वो अपने वर्क
प्लेसेस से अवॉइड करना शुरू करते हैं तो फिर बैठे बैठे डिप्रेस फीलिंग्स इतनी सीवियर हो जाती हैं कि वो सुसाइडल थॉट्स जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। जैसे हमने वो मैच मेकर की भी जो हमने शॉट ऐड किया था और वो मैच मेकर ये बताती थी कि अगर लड़कियों में अगर बालों की प्रॉब्लम हो, अगर लड़कियों के बाल हल्के हों, बाल कम हो, देखिए लड़का अच्छा कमा रहा हो ना तो लड़के की टेंड होना मैटर नहीं होता, लेकिन वो जो लड़की बेचारी है अगर उसके साथ कोई बालों का मसला हो जाए तो फिर लोग तो बिल्कुल रिश्ते में लेते नहीं। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि वहाँ पर भी लड़कियों की सोच थोड़ी बहुत ऐसी हो जाती है। आप देखिए ना कि एक अच्छा खासा बंदा बिल्कुल नॉर्मल पर्सनैलिटी के साथ वो पूरी सोसाइटी में अपनी बहुत सारे काम करता कर रहा है, अचानक से जब उसके साथ ये इश्यू आना शुरू होता है किसी भी वजह से, जिस तरह प्रेगनेंसी भी मोस्टली हो जाता है, एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं उस वक्त भी हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जब लोग टोकना शुरू करते हैं, जो लोगों के कॉमेंट्स होते हैं वो इतनी फील होता है कि पहले वो इतना फील नहीं हो रहा होता, लेकिन जब आपको मुख्तलिफ जगहों से वो राय मिल रही होती है तो वो फिर पर्सनैलिटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डेवलप करना शुरू कर देती है और उसी के बाद उसके कॉन्फिडेंस का जो कहते हैं धज्जियां उड़ना आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मुझे इसका सलूशन क्या मुझे बताया। और दूसरा ये मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि अगर मैं अपनी जनरेशन की बात भी करूं तो सेल्फ लव ना बहुत शाज़ो नादर किसी लोग में पाया जाता है जी। और मुझे भी होता है कि चलो जी खुद में तो सेल्फ लव नहीं था लेकिन मैं अपने बच्चे को सेल्फ लव ज़रूर दूँ ताकि वो लोगों की बातों में भी आके, फिर हमने देखा आजकल बच्चे कितने सुसाइडल भी हो गए हैं, छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन में, कोई चीज़ पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हम देखते हैं बच्चे बहुत बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। तो सेल्फ लव या फिर किसी रिजेक्शन हो गई है, कोई ब्रेकअप हो गया है, शादी ख़त्म हो गई है, मंगनी टूट गई है, उस बात पर भी आके हमने पिछले दिनों भी ऐसे बहुत सारे वाकया देखे तो कैसे जा सकते हैं इस तरफ। देखिए मैं समझती हूँ सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी के अंदर देखिए पर्सन जो इस प्रॉब्लम में है वो अपने आप को उस चीज़ से निकालना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है सोशल सपोर्ट, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, अब वो फैमिली में मदर फादर सिस्टर या फ्रेंड्स कोई भी लाजमी है कि वो अगर आपके साथ होते हैं जब आप उनसे ये चीज़ शेयर करती हैं। आप फॉर सपोज अगर किसी से आप बहुत ही केयर गिवर है, वो आपसे बहुत क्लोज है, उसको फील हो जाता है कि ये पर्सन पहले कैसा था और इसके साथ ये चेंजेस आना शुरू हुए, तो सेल्फ सपोर्ट यानी जो सोशल सपोर्ट है बेसिकली वो आपकी बहुत मैटर करती है, आपको उससे जो है बहुत हेल्प मिलती है इस मसले से निकलने के लिए। तो आपकी फैमिली में अगर आपकी मदर से आपकी बहुत क्लोजनेस है, वो अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करती है, वो आपको एतमाद में लेती है कि बेटा हो गया है, हर शख्स अपनी ज़िंदगी में लाजमी किसी ना किसी परेशानी के साथ होता है, क्योंकि हमारे मसला है ना कि सबसे पहले अटैक हम उस चीज़ पर करते हैं, ज़रा सी भी कोई आर्ग्यूमेंट हो कि सबसे पहले अटैक ही चीज़ पे करते हैं जो कि आपका फिजिकल ट्रेट हो। बिल्कुल, तो बस सीधा ही आप क्योंकि देखो तुम्हारे बाल देखो, तुम सोचती भी इतने थे ना, तुम्हारी नेगेटिव सोच तुम्हारे बाल चलने जो है वो खत्म होने लग गए जी। छोटी छोटी बात पे तो हमारे अटैक्स हैं बेसिकली, यही होता है और वही हमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की तरफ लेके चले जाते हैं कि हम सोसाइटी में एडजस्ट ही नहीं होना शुरू होते हैं, ऐसा ऐसा हम फील करते हैं कि जो इशू इतना शायद मैटर भी नहीं करता। बिल्कुल, और वो चीज़ हम इतना हाईलाइट कर लेते हैं, इतना डोमिनेट और डोमिनेट हम भी लोग ऐसे फ्लॉज लोगों के ऐसे बढ़ चढ़ के बता रहे थे क्योंकि सबसे पहले किसी की पर्सनैलिटी में आपको चीज़ बजाय कि आप उसकी खूबसूरत आंखें देखें, आप उसकी कम बाल देखेंगे या कोई भी ऐसी बुरी चीज़ और उसको पॉइंट आउट भी करेंगे और ऐसे बताएंगे जैसे उस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि हाँ भी मेरे बाल गिर रहे हैं, नहीं तुम्हारे बाल गिरे, फिर जिस तरह से लोग कहते हैं फिर देखते हैं जी, वो एक्चुअली हर्ट कर रहा होता है। एक्चुअली उसको फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट उस वक्त स्टार्ट होना शुरू होती है कि आप लोगों के दरमियान में बैठे हुए आप में जो एक यानी डिफरेंट पोटेंशियल्स मौजूद हैं, आप उसकी उन पोटेंशियल्स को हटा के आप उसकी एक जो वीकनेस है आप उसको जो है हाईलाइट कर रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं, तो वो उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। बिल्कुल, पांच लोगों में बैठने के काबिल नहीं रहेगा, डर लगेगा कि कहीं कोई और उठ के मुझे बात ना करे, फियर की फीलिंग आ जाएगी कि मैं लोगों को फेस कैसे करूं। कि जब वो फेस नहीं कर पा रहा होता ऑटोमेटिकली वो अपने आप को शायनेस की तरफ लेके जाता है कि वो कोशिश करता है जितना हद तक अवॉइड कर सके, तो सोशल आइसोलेशन सोशल इनहिबिशन वो स्टार्ट होती है। मुझे पता है सिर्फ खवातीन को ज्यादा इसमें टारगेट क्यों किया जाता है, हम बंदे फिर कहीं ना कहीं उनको वे आउट मिल जाता है, हम हर चीज में खूबसूरती में हर चीज में, असल में फीमेल जो है ना वो हमारी जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है बेसिकली, हमारे यहाँ पर राइट्स के लिए सबसे पहले जो है वो फीमेल्स को सिर्फ एक कहते हैं ना कि वो बनाया जाता है कि पिटी है वो वीक है, तो वो एक जो चीज़ हमारी ग्रोथ में शुरू से चल रही होती है हमारी तरबियत में रेयरिंग तरफ के सिस्टम में होती है, दस्तरखान से होती है। अंडे जो है ना वो लड़कों को दिए जाते हैं और लड़कियों को नहीं दिया जाता, अच्छी बोटी लड़के को दी जाएगी, बिल्कुल पहले खाना मर्द को दिया जाएगा, मर्द को दिया जाएगा। देखिए यहीं से जो है ना खवातीन के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है और खवातीन ही खवातीन की दुश्मन होती है, जहाँ हम चार खवातीन बैठी होती है जिसमें अगर किसी के बाल गिर रहे हैं या किसी के स्किन का कोई मसला है सबसे पहले टोंट करते हैं, फिर चार खवातीन उसको कहती है फलां डॉक्टर के पास जाओ, दो उसको टोटके बताती है, तीसरा उसको डॉक्टर को बताती है,
लेकिन एक जो पहली होती ना, जो पहली जो शुरू कर रही होती ना, वो खौफनाक होती है, क्योंकि वो ही हाईलाइट ऐसे कर रही होती है कि देखिए जिसने पिन पॉइंट किया है तो उसके बाद वो चीज ट्रिगर हुई और फिर उसके बाद वो सबने सर्कुलेट की और उसको और ज्यादा ओवरबर्डन कर दिया कि इस चीज के ऊपर फोकस करो और देखो सोचो, तो ऑटोमेटिकली तो वो कहते हैं ना कि सोसाइटी में फिर वो आपके साथ एक जो सोशल सर्कल है उसमें वो चीज़ रोटेट हो गई तो वो बंदा ऑटोमेटिकली डिप्रेस होगा कि मैं जिनकी सर्कल में बैठा हुआ वहाँ ये चीज़ इतनी हाईलाइट हुई है। मैंने तो ना कॉलेज में डॉक्टर मैरिन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, उसको बालों का इशू था, वेलोवेशन बहुत लाइट थी, उसके बाल तो बहुत कम थे, मैंने मुसलसल गिर रहे थे। वो इतनी खूबसूरत लड़की थी एंड हम उससे वैसे बात करना चाहते थे, वो इतनी लाइट थी, लेकिन वो ना सबसे कट के ही रहती थी क्योंकि इसके बालों का इशू था और उसको यही था कि मैं न जाने अल्लाह जाने ऐसी क्या चीज़ को बॉदर करती थी कि वो हमारे पास बैठती थी, बल्कि ऑफ़ कोर्स अच्छे सब घरों से अच्छी तरबियत भी अच्छी थी, लेकिन एक खौफ जो है ना वो अंदर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त मुझे मेरी इस तरह से जज करें, मुझे कोई ना कोई ऐसी जाके बात करते हैं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी पर्सनैलिटी बड़ी वल्नरेबल हुई होती है। हम बच्चों में ये चीज़ कैसे इनकलकेट करें कि बच्चे जो हैं वो अपने अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करें कि चाहे आपका दोस्त काला है, मोटा है, छोटा है, लंबा है। एक तो बुली नहीं करना, क्योंकि बुली करने की आदत हमारे अंदर है, वही बुली करने की आदत आगे थी बढ़ जाती है कि फिर हम ये करते हैं। वही चीज़ इसी तरीके से जो है वो हमारे सोसाइटी का वो बन जाता है कि हम लोगों में यानी जब भी बैठते हैं तो हम उनकी वीकनेसेस को या उनकी जो भी कोई गलती होती है उसको फौरन पिन पॉइंट करते हैं। बेसिकली देखिए मैंने जितना देखा अपनी ओवरऑल जब पेशेंट प्रैक्टिसेस में भी मुख्तलिफ चीज़ों में कि जब भी हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं हमें अपने बच्चों को ये बताना होता है कि तुम औरों से सुपीरियर हो। यस ठीक है, ये एक सबसे गलत चीज़ है जो कि हम अपने बच्चों को बताते हैं, तभी उसमें एक कॉम्पिटिशन एक कंपेरिजन डिवेलप होता है। अगर हम उसको ये बताएं कि जो चीज़ अब देखें हर बच्चा हर एक पोटेंशियल के साथ पैदा नहीं हुआ, अगर किसी में राइटिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है तो एक रीडिंग एबिलिटीज़ के साथ बहुत अच्छा होगा। अगर ये चीज़ें हम डिफरेंसेज अपने बच्चे को बैठ के समझाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा बच्चा उन चीज़ों को लर्न करता है, उसको फील होता है। बच्चे के अंदर कॉम्पिटिशन ही डालना चाहिए, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिशन डाल लेते ना तो आपका बच्चा कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहता, फिर वो पढ़ाई हो, फिर वो जॉब हो, फिर वो कोई भी चीज़ हो, फिर शादी हो कि अच्छा उसकी अच्छी जगह शादी होगी, अच्छा उसकी अच्छी जगह नौकरी होगी, वो मुझसे ज़्यादा कमाता है, उसका ये हो गया, तो ज़िंदगी भर कॉम्पिटिशन में गुजार देगा। आप उसको ये बताएं कि कितनी अच्छी चीज़ है, तुम इसको कैसे अच्छा कर सकते हो, वाओ तुम्हारा तो इसमें कितना अच्छा ध्यान है, तो तुम्हें फिर मैं इसमें आर्ट्स में डालूंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें जा सकते हैं। और माँ बाप को भी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं से बच्चों के ना जो जो फ्लॉज उनको लग जो सोसाइटी उनको फ्लॉज दिख रही थी उनका जिक्र ना करे, जैसे काले रंग पे अगर हम बात करें, मतलब मेरी बच्ची एक दफा आके मुझे कहती है वो मेरी फ्रेंड है ना वो थोड़ी पीच है। अब ये पीच वर्ड उसने खुद से डेवलप किया, पीच का मतलब वो सांवली है। अब वो आगे मुझे बता रही है, अच्छा मेरी बच्ची कॉम्प्लेक्शन में फेयर है जबकि मेरा इतना फेयर नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची का, अब उसने अपनी फ्रेंड को ये कहा तो उसी वक्त मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये पीच वर्ड कहाँ से आया, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए यानी हम ये बच्चों को अगर सुन रहे होते हैं पहली दफा में ये बच्चों को टीच करना चाहिए, टोकना चाहिए। हमारे पास तो ऐसे माँ बाप आते हैं 8 साल की बच्ची को ये इसका काले रंग की वजह से ना मैं बहुत एम्बेरेस हो रही थी, मैं तो जो उस वक्त उसकी मम्मा के साथ करती हूँ बच्ची को बाहर बिठा कर, मैं ये कहती हूँ कि ये हमारे बड़े जो होते हैं बड़ा कम है। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी, आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। शादरी बाजरी कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।